हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां हमें बतानी हैं। तो हम 18 को गुणनखंडों में 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6 लिख सकते हैं। तो इसी को हम उल्टा करके 18 × 1 भी लिख सकते हैं, 9 × 2 भी लिख सकते हैं और 6 × 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये 6 संभव कोटियाँ हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें आगे दिया हुआ है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो 5 के यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास 5 × 1 आएगा और 1 × 5 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास संभव कोटियाँ आ गई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक 2×2 का हमें एक अवयव बनाना है जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है aij = i + j2/2। तो हम जानते हैं 2×2 का अवयव जो भी होगा वो कैसे प्रकार का होगा, a11, a12, a21 और a22। तो a11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i और j दोनों की वैल्यू 11 डाल देंगे। तो 1 + 1² / 2 हमारे पास हो जाएगा, तो ये 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। इसी तरीके से a12 निकालने के लिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 लगा देंगे, तो 1 + 2² / 2 मतलब 9/2 आ जाएगा। a21 इसी तरीके से 2 + 1² / 2 = 9/2 आ जाएगा और a22 = 2 + 2² / 2 मतलब 16/2 = 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आव्यूह क्या आ जाएगी, a = 2, 9/2, 9/2 और 8 आ जाएगी। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है aij = i/j। तो हमारे पास a11 की वैल्यू आ जाएगी 1/1 मतलब 1, a12 हमारे पास आ जाएगा 1/2, a21 हमारे पास आ जाएगा 2/1 = 2 और a22 हमारे पास आ जाएगा 2/2 = 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी या आव्यूह आ जाएगा 1, 2, 1/2 और 1। चलिए अब हमारे पास थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है aij = i + 2j² / 2। तो इसी तरीके से a11 हमारे पास आ जाएगा 1 + 2² / 2 मतलब 9/2, a12 हमारे पास आ जाएगा 1 + 4² / 2 मतलब 25/2, a21 हमारे पास आ जाएगा 2 + 2² / 2 मतलब 16/2 = 8 और a22 हमारे पास आ जाएगा 2 + 4² / 2 = 18। तो हमारे पास आव्यूह आ जाएगी a = 9/2, 25/2, 8 और 18।